क्या आपको पता है कि नीशु देसवाल को पहले ही पता चल गया कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। जानिए पूरा सच। नीशु देसवाल का जन्म 2000 में पानीपत के एक छोटे से गांव कुराड़ में हुआ था। नीशु देसवाल एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। 2017 में उन्होंने ट्रैक्टर स्टैंड सीखा और वहीं से कैरियर स्टार्ट कर दिया। 22 साल की एज में उन्होंने 13 लाख सब्सक्राइबर और 7 लाख फॉलोवर भी अपने इंस्टा पर कमा लिए थे। लोग उनको टोचन किंग के नाम से जानते थे। अंशु भाई के परिवार में उनके पापा और उनकी मम्मी और उनके 2 बड़े भाई हैं। परिवार में सभी खुश थे। नीशु भाई जो सोशल मीडिया से कमाते उनसे अपना घरवार चलाते और कुछ बचता तो वो अपने ट्रैक्टरों के मॉडिफाई में लगा देते। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और वह अपनी बारात को भी अपने मॉडिफाइड ट्रैक्टर जॉन डियर पर लेकर गए और अभी के टाइम पर वह उनका एक 6 महीने का बच्चा भी है। और अंशु भाई ने कई ब्लॉगों में बताया कि उनका जॉन डियर ट्रैक्टर बहुत लक्की ट्रैक्टर है, जबकि स्वराज नहीं। स्वराज के साथ उनके 3 बार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो बाल बाल बचे स्टैंड करते हुए। और उनको अपने जॉन डियर ट्रैक्टर पर बहुत ज्यादा भरोसा था जबकि स्वराज पर नहीं था। स्वराज के बारे में कई बार बताते थे कि उनको उस पर डर लगता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में टोचन किंग जरूर लिखना।